बारिश भी आ गई है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज सुबह से ही बहुत तेज़ धूप है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस क्या ही बताऊँ, धूप देखो सुबह से इतनी हालत ख़राब है। ये लोग बस रेडी हो रहे हैं, कैसे कैसे बस ये लोग जा रहे हैं। टिफ़िन मैं बना चुकी हूँ और इन लोगों के जाने के बाद चाय पीऊँगी। पूजा भी मैंने कर ली, देखो बृहस्पति की बिंदी बिंदी सब लगा ली। आज थर्सडे है, मेरी यूनिफॉर्म आप लोग को पता ही, हाँ ये यूनिफॉर्म से ही पता चल जाता होगा कि आज थर्सडे है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है भगवान, मैं बता नहीं सकती। अब किचन से काम करके आई हूँ, अब जा रही हूँ 5 मिनट कमरे में रुकूँगी क्योंकि दोनों अपने अपने वॉशरूम में हैं, सोना भी और ये भी। तो मेरा काम तो देखो हो चुका है, अब इन्हीं लोगों को बस अपना नहा वहा के निकलना है और रेडी होना है। तो मैं जा रही हूँ, पंखे में बैठूँगी, थोड़ा हवा खाऊँगी, चाय अभी नहीं पीऊँगी क्योंकि चाय अभी पीऊँगी तो फिर बीच बीच में ये उठाएगी, कभी ये दे दो, कभी मेरी घड़ी नहीं मिल रही, मेरा आई कार्ड नहीं मिल रहा। तो मैं जब ये लोग निकल जाते हैं आराम से, मैं तभी चाय पीऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, बस टिफ़िन भी ठंडा हो चुका है, पंखे में रख दिया था पंखे के नीचे, और उसको बस पैक करना है। तो उसको पैक करके पंखे में बैठूंगी, हवा खाऊंगी और थोड़ा सा बाल बाल खोलूंगी, पूरे पचर पचर हो गए हैं। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस दोपहर हो गई और आज मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। देखो आज रेडी होने का भी टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और बज गया टाइम देखो 1:30। और इन लोग का होने का हो रहा है आने का टाइम और मैं घर बना रही हूँ। आज एक्चुअली फरमाइश हुई थी कि वो दाल की खस्ता जो होती है ना वो बना के रखी हुई है अभी जस्ट बेल के, और वो कद्दू की सब्जी, जबकि कद्दू की सब्जी पसंद नहीं है। पहले भी बहुत ज़्यादा ये मैडम मेरे सब्जी को क्रिटिसाइज कर चुकी हैं, लेकिन आज बोल के गई थी कि कद्दू की सब्जी और वो खस्ते खाने। तो मैंने सोचा था जब ये मतलब छुट्टा ही मजा आने का तब गर्म गर्म बनाऊँगी, तो बस वही तलने खड़ी हुई हूँ। और मैं खुद पूरी तरीके से तल चुकी हूँ, पसीने से ऊपर से नीचे तर बतर हो रहा है मेरी, मतलब गैस के पास और गर्म लगता है। ऊपर से ये मुझे चश्मे पहनने पड़ते हैं, सो जो कितने हर्डल्स हैं, कितनी लाइफ कैसी है। तो चलो लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ना, तो भूख तो अपने को भी लगती है। फिलहाल सारे काम तो सुबह हो ही गए थे, सब हो गया था। आज वीडियो बनाने की कोई हिम्मत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी, ना रेडी होने का मन किया ना कुछ किया। 10 मिनट के लिए तो मैं फिलहाल लेट भी गई थी जाके, इतना गर्म एक टाइम पे लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ रहा है, खैर इधर गैस का काम हो रहा है, प्यास लग रही है, पानी पी के आती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी बजी है बेल, मम्मी गई हैं बाहर, आया है उनका एक मीशो का पार्सल, लाएंगी फिर से, मीशो बड़ा पसंद आ गया इनको, देखते आती हैं तब दिखाते हैं। आ ही नहीं रही है, मैं तब से वेट कर रही हूँ, कितना टाइम लगा। आ गई, ये क्या है? ये है मीशो का, तुमने कहा था एक एक ही का मैसेज आया था, रुको दिखा दे तू, सिर्फ एक मैसेज आया है एक बोल के, और टाइम के तले में बैठी हूँ मैं तो। अरे तो भाई इसका अलग, उसका अलग पेमेंट, उसका अलग पेमेंट, वो गिर रहा, वो इतना हंस रहा था मालूम है, मैंने बोला मैम इतने आपके एक साथ, मैंने कहा बस मुझे खुद हंसी आ रही है, एक जन देखे गया है। मैंने जब उसको ये बोला ना कि अभी हमको तो एक ही का मैसेज है, पहले तो हम सोचे एक ही आएगा, बोला नहीं मैम आ, मैंने कहा तुमने कहा एक पार्सल आ रहा है, पैसे निकालता चला निकालता था ना, हमने कहा भैया तो बहुत देर लग रही। तो ये भी रख लें, खोले, हाँ अभी खोले। फिर हमने कहा कि भैया 6 हैं, तो अभी मैं और आने मैम आपके, अरे हमने कहा हाँ अभी और आने, वो खुद डर गया होगा कि कितना मंगाती है ये, उसको ये लगा कि पागल वागल तो नहीं है ये, माने मैं खोल तुमको खोलना है। तो उसको ये लगा कि पता नहीं क्या, मतलब आप कितना मंगाती हैं, और जो जितना मतलब वो झोला लाया था उसमें लास्ट बस यही थे, एक दो और था किसी और का, मतलब सेकंड फ्लोर का कुछ था, बाकी बोला सारे आपके ही हैं आज। चलो लेट्स ओपन, लो चाय भी देखो इसी समय बना ली है, पीते पीते ही बना रही थी तभी पार्सल आ गया और उसमें टाइम लग गया, चाय ठंडी ना हो गई हो, पी के देखती हूँ। हाँ गर्म है, आज चाय पी के जाऊंगी, नहीं तो रोज यही हो जाता है, चाय भी नहीं पी पाते और जाने का टाइम हो जाता। फटाफट खोलो, रेडी भी होना है क्योंकि तो पहला पार्सल खोल गया है। ओ ये सोप डिश है, मैंने मंगाई थी, साबुन रख, लग गया, रखो
ऐसे लग रहा है जैसे बार में चेयर नहीं होती है। अरे कसम से ये फोन स्टैंड लग रहा है। अगर गिर जाएगा फोन। साबुन इसलिए है कि ताकि साबुन रहेगा पानी यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा। सोप ने तो दूसरा आइटम खड़ रहा है उसमें है शायद वाइपर होंगे। कुछ ना कुछ घरी का मंगाते हैं। हाँ तो लो घरी की चीज ना मंगाए हम अपने लिए कितना मंगाए। हमको अपने लिए उतना रहता नहीं है कुछ भी। डील अच्छी मिलती तो ये मंगा। ये ग्लासी जो बैरंडे के ग्लासेस है ना इनको साफ करने के लिए मैंने मंगाया। अभी पता है मैं जब आई वापस स्कूल से तो यही वो लोग मेरी गाड़ी साफ करते रास्ते में। एक और आइटम निकला क्या था। अरे वो जो ब्राउन वो मंगाया था इसके बारे में मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी आराम से बैठ के कि ये क्या आइटम है। ये मेरा है बालों का ही एक्चुअली है हेयर का है तो मैं आप लोगों को आराम से बताऊंगी। नेल पेंट अभी भी देखो नहीं लग पाया है। तो नेक्स्ट आइटम है ये भी एक वाइपर टाइप है लेकिन हमको वाइपरों से बहुत प्यार टू इन वन है। अरे ये वाइपर कम यूज करेंगे इसका वो यूज ज्यादा होगा ब्रश वाला क्योंकि कारपेट पे बहुत यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत आ रही है और कारपेट बहुत गंदे हो रहे हैं। मुबारक मंडा को मंडा कैसे जुड़ता है वो हम असेंबल कर लेंगे आप चिंता ना करें। देखो इसमें ब्रश भी है और इधर वाइपर भी लगा हुआ है टू इन वन इसलिए बोलते हैं। आपको ये यूज करना है तो ये यूज करो ये यूज करना है ये यूज करो क्लीनर ब्रश पहले ये आपका झाड़ेगा और फिर ये आपको क्लीन कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा आइटम है टू इन वन है। जब मैं यूज करूंगी या करवाऊंगी मेड से ना तब आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट आइटम है इनकी इनका सैंडल है बस ये लास्ट आइटम है। ये जल्दी खोलो। तो गाइस मेरी चाय देखो इसी बीच हो गई और पार्सल सारे खुल गए और बस हाँ एक इनकी सैंडल जो मंगवाई थी उसी में थोड़ा सा साइज का प्रॉब्लम हो गया है तो मैंने एक्सचेंज के लिए लगा दिया है तुरंत मैंने कर दिया तो और अब ये कल इसका पिकअप हो जाएगा फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है फिर देखे जाएगा। अरे यार इतनी तो सैंडलें अभी नई उसमें पहनो हम तो मंगा भी नहीं रहते यही मंगा के बैठ गए। बाकी सारे आइटम आप लोगों को दिखा दिए कैसे लगे कमेंट करके बताना। तो गाइस मुझे बहुत देर हो रही है और मैं बहुत अच्छे से देखो रेडी नहीं हो पाऊंगी सिर्फ 5 मिनट रेडी होने के लिए। तो जल्दी जल्दी जेंट्स की तरह जैसे बस यूँ लगा के ना बीबी क्रीम फ्रॉक से लगा लिए। ये रही बीबी क्रीम और बीबी तो फटाफट बस आज ऐसे ही रेडी होती हूँ। बस जो ज़रूरी ज़रूरी है कि मेरी आईज़ का ज़रूरी है तो मैं ये लगा लूँ। कपड़े तो मैंने तैयार हो गए उनको चेंज कर लिए और ये शर्ट पहले इतनी टाइट हुआ करती थी आज इतनी ज़्यादा लूज़ हो रही और करीबन मैं पहन भी नहीं हुआ जैसे बहुत टाइट हुआ इतनी लूज़ कि मेरे जैसे इसमें 2 से 3 घुस जाए। बहुत ढीली हो गई इसको टाइट कराना पड़ेगा इसको ऑल्टर कराने किसी दिन देंगे आज तो पहन ली अब। तो लोग मैंने लिपस्टिक भी लगा ली आईलाइनर हल्का सा लगा लिया मस्कारा लगा लिया बीबी भी लगा ली बस और कुछ नहीं लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा चिप चिप बहुत ज़्यादा मेकअप करने का भी मन करता था बस ये है कि हाँ रेडी होना है तो हो गए और पाउडर लगा लेती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सूखा सूखा लगेगा। पाउडर तो हाँ लगा लेती हूँ उससे अच्छा रहेगा मिलेगा। जब तक आईलाइनर नहीं लगाओ ना तो अच्छा नहीं लगता आगे ऐसे लगती जैसे पता नहीं क्या सोए हैं या रोए हैं कुछ ऐसे लगता पाउडर कितना क्यों। बस ड्यू लगाऊंगी परफ्यूम लगाऊंगी सट 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 बाहर ठीक बस रहता नहीं गया। तो गाइस बेटी को सोने के बाद मैं अपने आ गई। मैंने आज अपनी वो कुर्ती ले ली जो एक बहुत दिनों से टेलर के यहाँ पड़ी हुई थी करीबन आज 10 दिन हो गए पहले मैं पड़ी रही बीमार ली नहीं आज जाके मुझे याद आया कि वो पड़ी हुई है ग्रीन कलर की है वो टाई एंड डाई वाली पहनी है एक दो बार थोड़े से ऑल्टर होने लगी तो बाकी बीच में सोचा भगवान के भोग लगाने के लिए इमरती ले लें तो माँ लक्ष्मी ने आ गए तो मीठा ले लें कुछ बहुत दिनों से भगवान को भोगों में लगाया है तो कुछ बतासे भी ले लें घर जाके खाएंगे। अभी तो खैर 5:30 बजे कोई टाइम नहीं है खाने का तो बतासे बनवा रहे हैं तो चलिए अब देख। तो गाइस मैं वॉक करते करते 40 मिनट पूरे कंप्लीट कर चुकी हूँ अपने और बाल मेरे पूरी तरह से भीग चुके हैं। मैंने पहले जूड़ा बनाया हुआ था अब मैंने बाल खोले हैं क्योंकि अब हवा चल रही है तो थोड़े शायद थोड़ी हवा से सूख जाए और अब मेरे पैर एकदम जवाब दे चुके हैं। 45 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं अब मैं निकल रही हूँ घर
अब मैं एक राउंड ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूँगी और इसकी बैटरी भी मेरी खत्म हो चुकी है, गाने सुन रही थी तो अब कल आएंगे। आज के बस 45 मिनट्स बहुत होते हैं यार। गैस ख़त्म करते करते बारिश भी आ गई है और अब तो घर भागना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब और कोई चारा नहीं है, पानी बहुत तेज आ गया है। ओह शिट। तो मैं जब तक भागे वापस आए, इतनी तेज पानी आया कि हम लोग पसीने से तो भीग गई थे, बारिश से भीगी। चेंज करके मिलती हूँ। तो गाइज मैंने चेंज कर लिया है और बाल पूरे भीग गए। इतनी कम डिस्टेंस में हम लोग इतना भागे भागे आए लेकिन तब भी भीग गए पूरे और बाल पूरे गीले हो गए। खैर अब कमरे में बैठे अब सुखा रहे हैं और कल जाऊंगी शैम्पू कराने के लिए क्योंकि और वहाँ वाले हेयर कैफे में नहीं जाऊंगी मैं, जाऊंगी कल दूसरे वाले में। एक्चुअली एक जन का फ़ोन आया था, उन्होंने मतलब बोला है आने को, उनका पार्लर है तो बहुत दिनों से वो कह रही थी कि आप मेरे को भी मतलब आके करो, मेरे यहाँ भी वीडियो बनाओ। तो उनका भी थोड़ा सा चल नहीं रहा है शायद उनका, आई थिंक। अब मैं कल जाऊँगी, मैं उतना नहीं बता सकती कुछ ठीक से डिटेल में आज क्योंकि उतनी बात नहीं हो पाई उनसे मेरी, तो बोली है तो इन्होंने यही बोला कि तो चली जाओ मतलब करा लो, कल फ्राइडे भी है, मैं धुलवा भी सकती हूँ तो, और शैम्पू मुझे करना ही है तो मैं घर में ना करके मैं वहाँ कर लेती, आज टाइम नहीं था, अदरवाइज मैं आज ही कर लेती, खुद भी कर लूँगी, बेटी का भी करवा दूँगी क्योंकि यहाँ का घर का जो पानी है ना बहुत ख़राब है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हो ना बाहर ही करा लें। तो वो कह रही हैं कि थोड़ा करा दो, उनका थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में है कुछ है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ी दिनों के लिए शिफ्ट कर देती हूँ इनको, थोड़े दिन स्टार्ट कर देती हूँ बिजनेस देने में क्योंकि वो तो हम लोग का है ही है। देखो वहाँ से मैं हाईलाइट वगैरह करवाती रहती हूँ, बड़ा कोई भी काम होता है ना जिसमें मैं रिस्क नहीं ले सकती, हाईलाइट जैसे चीज़ है तो वो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, वो मैं अपने वही हेयर कैफे में जहाँ जाती हूँ ना वहीं से कराती हूँ। छोटी मोटी चीज़ है जैसे मैं थ्रेडिंग, हाँ आईब्रो अपर लिप में भी मैं थोड़ा सा डरती हूँ, वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ, उसी पे मुझे वो है वो बहुत अच्छे से, उसके यहाँ जो स्टाफ है वो भी अब तो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है, और या तो मेरी फ्रेंड डायरेक्ट करती है या फिर उसका स्टाफ जो भी है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि इस पर आपको थोड़ा सा डर लगता है कि एक भी इधर से उधर हो गया ना फिर कितने दिनों तक फेस खराब रहेगा, और बालों का भी यही है कि एक बार आपने गलत कुछ भी हो गया बालों में ना तो फिर वो काफ़ी टाइम तक वो रहेगा, खराब खराब लगेगा और आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रह जाएगा कि आप उसको किसी तरीके से ठीक कर लो। तो बट शैम्पू कराने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लो ड्रायर कराने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मैं कल करवाऊंगी। बाकी आज का व्लॉग करते हूँ यहीं पे खत्म, और खाना तो आप लोगों को बताया था हम लोग टिक्की विक्की लेके आए हैं, बताशे लेके आए, तो हम लोग घर में खाएंगे, इंजॉय करेंगे, दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मैं खाना खाते हुए कभी नहीं दिखाती हूँ। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।